नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर ठोका एक और 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा। फिल्म स्टार रजनीकांत को तमिलनाडु की राजनीति में न आने की चेतावनी। घर के बाहर प्रदर्शन, 30 लोग हिरासत में। कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर हमला, सबूतों और रिश्तेदारों के भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोले अरविंद। भाजपा शासित राज्यों में अराजकता का माहौल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां निवासी कांस्टेबल सईद नावीद मुश्ताक हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक और बड़ा फैसला, खत्म होगा अल्पसंख्यक कोटा। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को नहीं होगी फांसी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, 3 तलाक पर कानून बनाएगी सरकार। कन्नौज जेल में खूनी संघर्ष, 2 डिप्टी जेलर गंभीर रूप से घायल। बिहार के औरंगाबाद में बारात से भरी बस ट्रक से टकराई, 5 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 4 आतंकवादी ढेर, 3 जवान शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले हार्दिक पटेल ने कराया मुंडन, विरोध में मार्च निकाला। आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी की हत्या का मामला दर्ज, योगी ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। शिवराज के आदेश, मध्य प्रदेश की नदियों में नहीं होगा मशीनों से खनन, उपकरण मिले तो होंगे राजसार। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।